संबल में ठगी करने का अनोखा मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार ये गैंग शादी का झांसा देकर ठगी करता था। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और गैंग सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया में अक्सर लुटेरी दुल्हन की खबरें आती हैं। पहले तो ये दुल्हनें अविवाहित युवकों की एक रात की दुल्हन बनती हैं। उसके बाद पूरे परिवार को सुलाकर लाखों रुपए और जेवर लेके फरार हो जाती हैं। अब संबल में जो मामला सामने आया है उसमें दुल्हन ठगी करने के बाद भागती नहीं बल्कि पुलिस बुला लेती है। पूरा मामला जानने के लिए इस कहानी की तह में चलते हैं। पूरा मामला संबल के रजपुरा थाना इलाके के गांव चंदू नगला का है। यहां एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति से दो महिलाओं से मिलवाया। शादी का झांसा देकर पहले तो 30,000 रुपए ले लिए, इसके बाद एक महिला को दुल्हन बनाकर उसके घर भेज दिया। सुहागरात का सपना पाले शख्स की उम्मीदों को उस समय झटका लगा जब नई नवेली दुल्हन अचानक हंगामा करने लगी। वो 26,000 रुपए और मांगने लगी। जब उसे रुपए नहीं मिले तो रात को ही महिला ने डायल 112 पर कॉल किया और पुलिस को बुला लिया। वो खुद को बंधक बनाने का आरोप लगाने लगी। वहीं शादी के नाम पर ठगी का शिकार हुए ग्रामीण ने पुलिस को आप बीती सुनाई तो पुलिस का भी दिमाग चकरा गया। आखिरकार जांच पड़ताल के बाद दुल्हन का असली रूप सामने आ गया। पुलिस के अनुसार ये महिला पहले भी रामपुर, मुरादाबाद और संबल जिले में दुल्हन बनकर कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन और गैंग सरगना समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस ग्रोह में शामिल महिलाएं बिचौलिया की भूमिका निभाती हैं। फिलहाल गिरफ्तार महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। जनपद संबल के थाना रजपुरा क्षेत्र में दो दिन पहले मुकेश नामक व्यक्ति ने तहरीर दी कि मुझे शादी करनी थी और शादी के लिए मुझे एक मेरे मित्र यशवीर ने पंडित नाम के व्यक्ति से मिलवाया। पंडित नाम के व्यक्ति ने बताया कि शादी वो करवा देगा, उसके लिए 50,000 रुपये देने की आवश्यकता है। जब बात तय हुई उस पर उसने दो महिलाओं मोना और मुस्कान से मिलाया और उसके बाद में 30,000 रुपये उन्होंने वहीं पे कैश दिए मोना को और बाद में मुस्कान को बताया कि ये लड़की है, ये आपसे शादी कर लेगी। इस बात पर मुकेश और मुस्कान अपने घर चले गए और 20,000 रुपये वहाँ पे देने का वादा किया। रात्रि में करीबन 12 बजे के आसपास 112 पे मुस्कान द्वारा कॉल किया गया और बताया गया कि मुझे बंधक बना लिया गया है। इस पर 112 की पुलिस पहुँची तो मुस्कान है वो मौके से भागने का प्रयास कर रही थी, उसको पुलिस ने वहीं पे पकड़ा और उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ये मेरे से 20,000 रुपये की डिमांड कर रही थी और फ़ोन पे ये बता रही थी कि 20,000 रुपये लेने के बाद मैं कहाँ आऊँ। और उसने सुना कि यहीं पे गांव के बाहर ऑटो लेके बाकी लोग खड़े हैं। जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये एक दुल्हन बनकर लूटने वाली एक गैंग है जिसकी उस गिरोह की सरगना मोना नाम की एक महिला है जो इस पंडित नाम के व्यक्ति के साथ मिलके और इस मुस्कान के साथ मिलके अलग अलग जगहों पर इस तरीके की लूट की घटना कारित करती है जिसमें इन्होंने रामपुर में, मुरादाबाद में, बहजोई में इस तरीके की कई घटनाओं को कारित किया है। इनके पास से जो लूट के जो पैसे थे वो बरामद किए गए हैं। मोना और मुस्कान को गिरफ्तार किया गया है और जो पंडित नाम का व्यक्ति है और उसकी तलाश की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।